गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हरसिम। आज मैं अपना दुकान का थोड़ा सा नज़ारा दिखा देता हूँ। ये मेरा गांव, मेरा घर सिलानी में है और इसमें दो तरीके का सामान मिलता है, एक आरसीएम का और एक बाज़ार वाला। ये देखिए बाज़ार वाला सामान है, ये बाज़ार वाला सामान है ये सब, और ऊपर में आरसीएम का ये बाज़ार वाला सामान है। ये देखिए ये चाय पत्ती, ये दाल, ये न्यूट्रेला, ये अंडा, ये सब आरसीएम का है। ये सारा आरसीएम का है। और ये ऊपर में भी ये देखिए ये आरसीएम का है, ये बाज़ार का सामान है, ये मिमी, ये बाज़ार का मसाला है, और ये सब है भुजिया आरसीएम का, ये बाज़ार का, और ये सब सामान है रोसी वगैरह, और ये भी आरसीएम का सामान है। देखिए ये पापड़ है, ये बेडशीट, ऊपर में ये कॉर्नफ्लेक आरसीएम का, ये सब आरसीएम का, ये भी आरसीएम का, ये भी आरसीएम का, केवी को ऑलराउंडर स्मॉल, ये डिश वॉश। तो दोस्तों आज मैं एक ऐसा प्रोडक्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ, थोड़ा कंपैरिजन आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये जो है वो प्रोडक्ट जो है आटा देखिए, ये आरसीएम का आटा है। मैंने 2010 में इस कंपनी में जाके खुद देख के आया हूँ। ये देखिए इसका तस्वीर भी है, 2010 का आरसीएम भीलवाड़ा का गोडाउन है, गेहूं का गोडाउन है, इसमें आटा बनता है। इसमें मैं खुद जाके देख के आया हूँ, और इसका जो सिस्टम है, तरीका है बनाने का, बहुत अलग सा है। और जो बाहर का आटा है, हमारे इधर बाहर का आटा भी मिलता है। ये देखिए ये जो आटा है ये बाहर का आटा है, ये आपको 7 से 10 दिन तक रखने के बाद ही ये खट्टा हो जाता है। और ये आरसीएम का जो आटा है ये वाला, ये आपका 3 महीना रखने से भी, इसका 3 महीना आपका घर में अगर रख देंगे तो भी आपको खट्टा नहीं होगा। और खाने में भी, आप बनाने में भी बहुत अलग होता है। ये जो बहुत नॉर्मल तरीका होता है बनाने में, और ये जो है ना, ये आपको रोटी बनाने में जो बाज़ार वाला है वो आपको क्या होता है, लबड़ जैसा वापस आ जाता है जब आप बेल रोटी बनाएंगे। तो डिफरेंस बहुत है। और खाने में भी क्या होता है, बाज़ार वाला आटा अगर खाएंगे आपको गैस होगा, पेट में गैस का पैदा होगा। लेकिन हमारे जो ये आरसीएम का ये जो आटा है, आप ये खाएंगे तो इसमें क्या होता है, गैस का प्रॉब्लम नहीं होता है। तो डिफरेंस बहुत सारा है, मैं एक ही आपको डिफरेंस दिखाया हूँ। और ये देखिए इसमें कीड़ा भी है, ये देखिए मैं आपको कीड़ा भी दिखा देता हूँ। ये देखिए आज तीन दिन हो गया, ये आटा इसमें कीड़ा भी है देखिए। लेकिन ये वाला आटा आप 90 दिन के बाद में भी आपको कीड़ा नहीं मिलेगा।